नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबर। भारतीय पत्रकार महासभा ने भरी हुंकार, अब कोई भी पत्रकार नहीं सहेगा अत्याचार। खबर है कि उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से शहर स्थित प्रधान गेस्ट हाउस में भारतीय पत्रकार महासभा के नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी डंपी भैया ने उपस्थित सैकड़ों पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे व पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर प्रशासन से आर पार की लड़ाई की जाए। जाफरी ने पत्रकारों से कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पत्रकार एकजुट होकर संगठन के बैनर तले आकर निष्पक्ष पत्रकारिता कर समाज के हितों की रक्षा के लिए आ गया है। भारतीय पत्रकार महासभा आपके अधिकारों की लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। इस अवसर पर दर्जनों पत्रकारों ने भारतीय पत्रकार महासभा की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जयगम नकवी, डिप्टी चेयरमैन श्रवण कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नासिर अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष रहीसुल हसन, जिला अध्यक्ष उन्नाव शिखा रॉय, जिला उपाध्यक्ष रानी खान, सूरज कुमार रानी खान, संगठन मंत्री जमाल अहमद, सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष वद्दू खान सह दर्जनों जिलाध्यक्ष प्रदेश अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश संगठन का विस्तार करते हुए केसरवा प्रधान प्रतिनिधि फिरोज हैदर को प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष व इंडिया एक्सप्रेस लाइव चैनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बाराबंकी से सतीश शर्मा। लगातार किया गया है और किया जाएगा। जिस तरीके से 2017 से लेके 2022 तक का जो आंकड़ा बताता है, ये एनालिसिस का रिपोर्ट है, जिस तरीके से अगर देखेंगे तो 258 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 42 लोगों की हत्याएं हुई है। ये कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर पत्रकारों की बात करते हैं तो शासन प्रशासन की बात करते हैं, वो शासन प्रशासन ऐसे मान्यता पत्रकारों को जो है इतना सम्मान देता है, जो कोरोना महामारी बीमारी के चलते हुए वो मान्यता पत्रकार, आप यकीन मानिए, एसी में बैठे थे, वो घर से नहीं निकले हैं। अगर कोरोना महामारी का जो अपडेट होता रहा बराबर न्यूज जनता तक का जाती रही है, वो हम और आज सभी लोगों ने जो है वो खबरें दिखाई है, लेकिन शासन प्रशासन के नजर में वो बहुत खास बने हैं। उनको जो है बसों में जो है छूट दिया जा रहा है, उनको टोल टैक्स से मुक्त किया जा रहा है, उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है कि वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है। अरे काहे का मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, अगर जो है कोरोना महामारी में बीमारी में तुम जो है घर से बाहर नहीं निकल पाए हो, अरे तुम वहां पे अंतरी और मंत्री और कई अधिकारियों को जो है चापलूसी करते रहे हो, उनका पैर दबा दबा कर तुमने मान्यता कराया है। तुम्हारे मान्यता को हम सभी लोग जो है नहीं मानते हैं। यहाँ पे जो आप सभी लोग हैं, कोई भी न्यूज पेपर का हो या न्यूज चैनल का हो या न्यूज पेपर का हो या न्यूज पोर्टल का हो, कोई भी पत्रकार हो, छोटा हो बड़ा हो, कैमरामैन हो, हम करें स्ट्रिंगर हो, अगर सम्मान शुद्ध भी होता है तब भी हम कहते हैं उसको सम्मान भारतीय पत्रकार महासभा देने का काम करेगा। आपका साथ चाहिए। आज जो है भारतीय पत्रकार महासभा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आपके भारतीय पत्रकार महासभा जिस तरीके से काम कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले में, तहसील में, ब्लॉक में भारतीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त बिहार के सभी जिलों में इस वक्त जो है पदाधिकारी कमेटी तैयार हो चुकी है। आपके महाराष्ट्र में इस वक्त जो है सुभाष साहब लोग जो है पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। आपके अरशद अली जी, आपके जो है दारा खान जी इस वक्त महाराष्ट्र को जो है पूरा मजबूत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को मजबूत कर रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो आलम है, जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर जो है लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहा है, अगर आज आप साथ नहीं देंगे, अगर आप साथ नहीं देंगे तो यकीन मानिए आज हमारे साथ फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज होगा, कल आपके ऊपर भी होगा। अगर इस बात को जो मानते हैं तो भारतीय पत्रकार महासभा बैनर तले आइए। एक यहाँ पर एक सदस्य को भी जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान दिया जाता है, वो एक सदस्य को भी दिया जाता है। अगर आपके सम्मान में कोई कमी आएगा, यकीन मानिए, मैं हसनैन जाफरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, अगर कहीं भी आपके जो है मान सम्मान में अगर कोई कमी आता है, अगर हमारे यहाँ पे बैठे हुए जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा और